कैसा लग रहा है चलने में? चलने में ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से हिल रहा है। हाँ वही है, आप उन्हीं की वजह से हिल रहा है। अच्छा चलिएगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हैं? हाँ। खास यही ग्रास ब्रिज देखने के लिए? देखने के लिए। अच्छा 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 जाइएगा। तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है नवादा से राजगीर, मैं जा रहा हूँ राजगीर गिलास ब्रिज। तो अभी मैं पेट्रोल भरा चुका हूँ, ये देखिए पेट्रोल टंकी पे हूँ मैं, और मैं जा रहा हूँ और एक भाईजान है वो जा रहे हैं जैसा कि देख रहे हैं, और मेरा जो छोटा भाई है वो जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ राजगीर का गिलास ब्रिज। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा, और कैसा गिलास ब्रिज है तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सो हेलो गाइस, हम लोग नारदीगंज पहुँच चुके हैं फाइनली, और हम लोग अब राजगीर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग गिलास ब्रिज जाएंगे, सबसे पहले हम लोग गिलास ब्रिज जाएंगे, बाद फिर जाएंगे हम लोग नौलखा मंदिर। हम लोग एक बार जाए थे, आप लोग को याद होगा, हिसुआ रोड से उतर जाता है। फाइनली अब पहुँचने वाले हैं 10-15 मिनट, वीडियो भी बने रहे। चेकिंग तो नहीं चल रहा, देखिए नारदीगंज बस स्टेशन है, यहीं पे चेकिंग चलता है। लेकिन आज नहीं था, ये नारदीगंज का पुल देखिए, इसमें पानी काफ़ी बढ़ा है, और ये बहुत वो नया पुल देखिए तैयार हो रहा है, और ये अभी तक चेंज होगा लेकिन उसे तैयारी चल रही है ज़ोर ज़ोर से। और रोड जो उधर से बन रहा है हाईवे, शायद वही मिलेगा, देखिए आपको दिख रहा होगा जाम देखिए। और ये देखिए आगे का जाम, जाम मिल चुका है लगभग, इधर हम लोग को टाइम लगेगा लगता है। तो वीडियो में बने रहें। पंचायती माहौल, नेता जी नहीं दिख रहे हैं इसमें अभी, राजगीर इन करने वाले हैं, और फाइनली हम लोग राजगीर इन करने वाले हैं। और चलिए आपको दिखाऊंगा गिलास ब्रिज, अब ज़्यादा दूर नहीं है गिलास ब्रिज, बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। चलिए आपको दिखाऊंगा, पहले जाऊंगा गिलास ब्रिज, उसके बाद देखूंगा। खास मैं गिलास ब्रिज ही जा रहा हूं, मैं दिखाता हूं मैं आपको गिलास ब्रिज में क्या क्या है नहीं है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत ही जल्दी ईद करने वाले हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ पहुँचने वाले हैं। हमारे भाई जान हैं जो वेस्ट बंगाल से आए थे, कलकत्ता से वाला, और बोर्ड भी है हमारे इस वीडियो में बने रहें। और हम लोग अब यहाँ से डायरेक्ट गिलास ब्रिज ही जाएंगे, और अभी मज़ा आने वाला है। आज भी आपको एक बार और अपडेट दिए थे, और ये नौलखा मंदिर उसको बोलते हैं, हम लोग नौलखा मंदिर जा रहे हैं। फाइनली हम राजगीर आ चुके हैं, और ज़्यादा दूर आप नहीं है गिलास ब्रिज, और ये रोड जो आपको दिख रहा है, ये रोड में कभी भी आप भाई ये अच्छा से चला चाहिए, क्योंकि गाड़ी एक बैक आ जाता है, और चौड़ा जगह नहीं है, बहुत ही पतला जगह है, यू टर्न है, यू टर्न है, बहुत एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे इस जगह पर। देखिए जैसा कि बैक आ चुका है, बस बहुत मतलब अचानक जगह पूरा ना, आप लोग अच्छा से ड्राइव करिएगा, कभी भी आइए तो अच्छा से ड्राइव करिए, ड्राइव सेफ लाइफ, और ज़्यादा स्पीड ना चलाएं आप लोग, मेरा यही गुजारिश आप लोग से है, होना चाहिए ज़्यादा आपको बंदर दिखेगा राजगीर में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं राजगीर गिलास ब्रिज, बहुत ही जल्द घूमने वाला हूँ, और यहाँ का इस मौसम का आनंद ले। देखिए जो हमारे कोलकाता से आए हैं भाईजान, हाई कर दीजिए ज़रा, हाई कोलकाता से खास कर गिलास ब्रिज देखने आए हैं, वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के वीडियो की। कुछ दिन है तो गिलास ब्रिज बंद था, लेकिन देखिए आज क्या होता है हमें तो पता भी नहीं है।
पर इस वीडियो में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। इधर जो है नवरत्ना मंदिर चला जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर है, विश्व शांति स्तूप जिसको बोलते हैं। ये नवलखा मंदिर का इस तरफ से रास्ता है और हम लोग अभी जा रहे हैं गिलास में, बस फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं। और मैं नवलखा मंदिर का भी वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में नहीं डालूंगा क्योंकि ये वीडियो जो है गिलास ब्रिज के लिए ही है। ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा तो मैं नवलखा मंदिर का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए आपको गिलास ब्रिज में दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है यार, क्या बोलूँगा। तो चलिए आपको गिलास ब्रिज दिखाता हूँ। फाइनली हम लोग ग्लास ब्रिज स्कैन करने वाले हैं। देखिए इधर कौन भंडार जो आए थे हम लोग, और हम लोग इधर ग्लास ब्रिज स्कैन करने वाले हैं और हमारे इस वीडियो में बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही जल्द अब पहुंचने वाले हैं ग्लास ब्रिज, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2 मिनट का रास्ता है। इस लाइन में जो है ग्लास ब्रिज चला जाता है और सीधे चला जाता है, जो बोले ना दरगाह चला जाता है, सीधे दरगाह चला जाता है। तो ये देखिए टमटम टमटम पर बैठिए, ऐश करिए, मौज करिए और ग्लास ब्रिज आप पहुँच जाइए। चलिए आपको दिखाता हूँ ग्लास ब्रिज, तो इस वीडियो में बने रहें। ग्लास ब्रिज सोन भंडार पहुँच गए हैं और इस वीडियो में बने रहें। और देखिए ये कलकत्ता से खास कर आए हैं देखने के लिए ग्लास ब्रिज है कि नहीं, आप भी ज़रा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हम कलकत्ता से आए, हमारा नाम है मोहम्मद इमरान, अपने दोस्त के पास आया हूँ घूमने के लिए। और कहाँ आए हैं आप? नवादा आया हूँ, नवादा से हम लोग आए हैं ग्लास ब्रिज घूमने के लिए, खास करके आए हैं देखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ इनको दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, इस वीडियो में बने रहें। तो फाइनली हम ग्लास ब्रिज पहुंच गए हैं और अभी मैं लाइन में खड़ा हूं। ये देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो भाईजान आपको दिख रहे हैं ये हमारे मोहल्ले के ही हैं, मिल गए हैं इस्लाम नगर का, है ना भाईजान? हाय हेलो। ये भी भाईजान हमारे मोहल्ले के हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास ही में है इस्लाम नगर के। तो हम लोग लाइन में खड़े हैं, पीछे देखिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं ग्लास ब्रिज। वी आर वेटिंग फॉर दैट बसेस, देन आई विल बी गोइंग। लाइन में लगे हुए हैं, आवाज़ इतना कम आएगा तो कहाँ आया नहीं, ये बस जब जाएगा तब हम लोग का टिकट कटेगा। जो तो फाइनली टिकट हम लोग को मिल चुका है, बहुत ही देर के बाद मिला है टिकट। ये देखिए बोले तो 1 घंटा लगना पड़ा, 12 बजे हम लोग आए थे और बहुत ही काफ़ी लंबा लाइन था, 1 घंटा लगने के बाद मिला है टिकट। अभी 800 का मैक्सिमम है, 800 ही टिकट कटेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं, तब लाइन में लगे हुए हैं, न्यूचुरल सफारी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी हम लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आएगा तो हम लोग को बस लेके जाएंगे, उधर बैठेंगे। ये देखिए काफ़ी भीड़ है, देखिए हम लोग अगर इस गाड़ी पे बैठ जाते हैं तो ठीक है, ना तो पिछला एक गाड़ी और आएगा तो उस पर बैठेंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग तो अंदर आ गए हैं और बहुत ही बाहर निकल जाता है, लेट होगा क्योंकि बस अभी आया नहीं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी इंतज़ार हो रहा है बस का।
तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं राजगीर का गिलास ब्रिज। आप तो अंदर आ ही गए हैं, तो दिखाता हूँ मैं राजगीर का गिलास ब्रिज आपको। तो फाइनली बस आ रहा है, बस इस पर मैं बैठूँगा। अभी आ चुका है, चलो टिकट ले लिया। टिकट लो भाई, एक एक टिकट सर सबको। तब ये खुलेगा, अब बैठ रहा हूँ मैं, अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए, अभी देखिए थोड़ा देर में सब फुल हो जाएगा। इमरान भैया उधर बैठ रहे हैं, पीछे बैठ जाओ भैया, इधर बैठ जाओ। इधर क्या हुआ, कुछ हो गया था क्या? ये देखिए अभी फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं, अभी सब लोग बैठ रहे हैं। ये देखिए जैसा कि सब लोग टिकट दिखा के अंदर आ रहे हैं। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ राजगीर का गिलास ब्रिज, तो वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिएगा। ये देखिए धीरे धीरे सब फूल हो रहा है, मैं सबसे आगे बैठा हूँ मैं। ज़्यादा तो भरा नहीं है, तो बस फाइनली सब लोग बैठ गए हैं और इधर सब देख रहे हैं, इधर चेक कर रहे हैं कि हो गया कि नहीं हुआ। बाकी लोग सब लोग पीछे हैं, और इस जो मैं जो बैठा हूँ गाड़ी में, ये गाड़ी में सीसी कैमरा वगैरह भी है। फिलहाल देखिए अभी फूल नहीं हुआ है। हो गया ना? जी सर। तो अभी चलने वाले हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा गिलास ब्रिज। इधर आ जाओ, इस वीडियो में बने रहिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब लोग आते हैं, खड़े हैं, यहाँ है लगा हुआ कैमरा, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा कैमरा लगा हुआ है। और हम लोग निकल चुके हैं राजगीर की ओर गिलास ब्रिज देखने के लिए, तो आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग जा रहे हैं राजगीर गिलास ब्रिज घूमने के लिए। वीडियो में आप बने रहिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, अब उतर रहे हैं। हम लोग उतरने का प्रोसेस है, ये देखिए सब लोग उतर रहे हैं। ये देखिए ये चल सफारी, काफ़ी दूर था यार वहाँ से, करीबन इमरान भाई कहाँ है, मतलब करीबन काफ़ी दूर था और वहाँ से 7 किलोमीटर है। बैठे बैठे तो हालत ख़राब हो गई, एक तो बाइक चलाया हूँ मैं, और गिलास ब्रिज का कहाँ टिकट सर? और तो ठीक ले रहा, तो गिलास ब्रिज का टिकट यहाँ से है। ये देखिए जैसे उतरिएगा ना आप, वैसे ही गिलास ब्रिज का है। ये देखिए उधर से मैं उतरा हूँ, और बगल में ही सामने है पहले गिलास ब्रिज, ये है एंट्री फी, सब कुछ लिखा हुआ जो है। यहाँ देखिए एंट्री टिकट है, गिलास स्काई वॉल के है, सब रेट वगैरह लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, तो अभी फाइनली मैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार उतरने के बाद, क्या बोलूँ मैं, और अंदर जाने के बाद कितना अच्छा लगेगा। वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा और दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको अंदर ले कर जाता हूँ। क्या इमरान भाईजान, चलिए मैं अंदर आ गया हूँ फिलहाल। ये देखिए, तो आपको मैं फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए अंदर, मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए चलिए आपको, तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं अभी। क्या देखूं सर? एंट्री दो भाई, ये एंट्री के पास में। अच्छा वो राजगीर वाला, तो यहाँ जो आप टिकट लिए थे पहले 50 का जो लिए थे, तो यहाँ चेकिंग हो रहा है। ये देखिए हो गया ना, ये देखिए अब ये लोग कटा रहे हैं, दिखा रहे हैं ये टिकट जो एंट्री किए थे आप लोग। हो गया ना सब? तो ये देखिए अभी एक ठो मिल नहीं रहा है टिकट, क्या होगा देखिए, खोजाइए हो रहा है। पर्स देख रहे हैं वो, मैं तो रख लिया था पास में ही। क्या मिला है? तो उनका मिल गया, अगर इरादा तो वापस ही रहते हैं। ऐसे भी कुछ वापस नहीं होते क्योंकि अंदर बिना अलाउ का नहीं ये देगा अंदर आने के लिए, तो अंदर तो आने ही देते ही। तो फाइनली मैं आ गया हूँ, अब चलता हूँ मैं गिलास ब्रिज की ओर। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, क्या बोलूँ मैं। हाँ हम लोग तो जा ही रहे हैं, थक गया हूँ यार चढ़ते चढ़ते। और एक बात, हाँ आप लोग राजगीर अगर किसकाई वाल को घूमने आ रहे हैं तो बहुत जल्दी आए। हाँ क्या हुआ भाईजान, मजा आया? हैं मजा तो ना आया, मजा कब आई जब तू भोरिया में बोला। आया मजा घूमने में? नहीं, कैसे बात करते हैं आप जी, चप्पल उतारते हैं अभी हम पहले। आने के बाद जूता उतारने का प्रोसेस है, तो जूता उतार दिया हूं मैं। और हो गया। चलिए आप अंदर लंगे पैर, पहले तो प्लास्टिक वगैरह देते थे पैर में लगाने के लिए। लेना है क्या? जी सर प्लास्टिक लगाना? नहीं नहीं नहीं, देना तो देते थे ना पहले, ले लो तो मांगा था तो मैं। प्लास्टिक दो भाई, सर बोल रहे हैं, वही ना बोल रहा कि देते हैं यार तुम दे नहीं रहे हो। आराम से प्लास्टिक ले चुका हूँ, ये देखिए इधर से जाने सर, वहाँ पहन लूँगा मैं। टिकट लगे निकालो, सब भीड़ लगा हुआ है, आप रख लीजिएगा, निकाल जाओ, निकालिए। थैंक्स। तो ले लिया हूँ, अभी मैं पहनूंगा उधर में। बहुत जल्द पहुँचने वाला हूँ यार। ये देखिए फाइनली मैं गिलास ब्रिज अभी ऊपर चलने वाला हूँ, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। पहले इसको मैं पहन लेता हूँ मैं। ये देखिए लगा लिया हूँ मैं, चढ़ रहा हूँ मैं गिलास ब्रिज पर, मस्त बहुत लग रहा दोस्त। ये देखिए गिलास ब्रिज राजगीर का है, ये गिलास ब्रिज नेचर सफारी जिसे कहते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा काफ़ी घूमने में। अबे नीचे देख रहा हूँ तो हालत ख़राब हो रहा है यार, नीचे देख रहा हूँ तो हालत ख़राब हो रहा है, डर टाइप पे लग रहा है थोड़ा गिलास ब्रिज घूमने में। बहुत देर थी, बहुत ही भीड़ लगा हुआ है गिलास ब्रिज का। ये देखिए अरे डर लग रहा है यार, अरे ये देखिए ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकते हैं आप लोग यहाँ पर। यही है गिलास ब्रिज, यहाँ कैमरा वगैरह लगा हुआ है। ये देखिए जूमिंग करके दिखाता हूँ मैं, ज़्यादा हुलचुल नहीं करिएगा आप लोग। बहुत ही मज़ा आ रहा है। फाइनली गिलास ब्रिज के मैं बीच में आ चुका हूँ मैं, ये देखिए। और आने के बाद डर भी तो लग रहा ना भाई, गिर उड़ ना जाए। ये देखिए पुल हिल रहा है, थोड़ा हिलता है ये पुल, है ना भाईजान, हिल रहा है ना पुल। अरे तुम हटो, एक रहा तो यहाँ से गिर जाएगा। अरे वो देखिए देखिए भाईजान एकदम फोटो हैबिस खिंचा रहे हैं इमरान भाईजान, ये तो लग रहा शाहरुख खान बन रहे हैं क्या भाई, है ना। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, क्या बोले। ये देखिए नेचर सफारी, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप लोग भी एक बार जरूर आए इस जगह पर, और ज़्यादा देर नहीं रुकने देते हैं ये लोग, अभी तो भीड़ कम है।
ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बनाइए क्या बोलिए। तो फाइनली ग्लास ब्रिज घूम लिया हूँ मैं, फ़ोटो वगैरह भी खींच लिया हूँ, बहुत ही मज़ा आया है यार, क्या बोलूँ मैं। ज़्यादा देर नहीं रहने दे रहे हैं यहाँ पे, कम से कम 10 से 15 मिनट भी नहीं रहने देते हैं, मतलब बोले तो अच्छा है। आइए आप लोग घूमने के लिए नेचुरल सफारी। अब मैं उतर रहा हूँ सीढ़ी से, ये देखिए बहुत ही काफ़ी मज़ा आया हम लोग को, बहुत ही अच्छा लगा यार घूमने में, क्या बताऊँ मैं। इधर से एंट्री है और इधर से निकलने का बाहर है एग्जिट। तो अब मैं घूम लिया हूँ, बहुत ही अच्छा लगा घूमने में, कैमरा वगैरह लगा हुआ है। चलिए आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ, मैं गिलास फ्रिज के अलावा भी कुछ है यहाँ। मैं बाहर आ गया हूँ, जूता वगैरह है ना, दे देता हूँ मैं इसको। हाँ तो क्या करूँगा इसको मैं लेके, यह जो दिया था मैं दे देता हूँ। कहाँ गया भाई, हेलो, हेलमेट दो भाई, हेलमेट दीजिए सर। नहीं जा रहा तुम, फोटो तो खींच लो, तो कहीं चला गया भाई, फिर डुल के भेज देना, पहन लिया हूं। तो उसको मैं डस्टबिन में डालूंगा, मैं सोचा कि लेने वाला हूं। थैंक्स सर। मैं जूता पहन लेता हूं। फाइनली हम लोग राजगीर गिराज ब्रिज के अंदर, सस्पेंस ब्रिज है जो कि अभी उसका टिकट भी लगेगा भाई, उसका टिकट है 10 रुपया। बैठिए बैठिए, नहीं बैठने के लिए तो बना है हम लोग के लिए। तो वालेकुम सलाम। तो उसका टिकट है 10 रुपया, जो कि भाई को दिखाई मेरा कटा रहा है टिकट, और आपको सस्पेंशन ब्रिज दिखा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए सस्पेंशन ब्रिज है, अभी नहीं जाऊंगा जब तक टिकट कटा लूँ ना। ये देखिए सस्पेंस ब्रिज है, तो आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ सस्पेंशन ब्रिज, टिकट दिखा दो भाई, टिकट कट दिखा दो, तीन टिकट दिखा दो, तीन टिकट है ठीक है ना। हम और ये चलिए आप लोग आगे, हम नज़र नहीं आएंगे, जी आगे जाइएगा तो रहेंगे ना। तो ये देखिए सस्पेंशन ब्रिज, अब एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए फ्रंट कैमरा से आपको दिखाता हूँ मैं, ये फ्रंट कैमरा ही है, आपको सेल्फी कैमरा से दिखाता हूँ मैं आपको, हिल रहा है। तो ये है सस्पेंशन ब्रिज, हाँ हाँ, ये तो लग रहा है कि डीजे डांस कर रहा हूँ। अरे भैया अच्छा से, अच्छा संटे, अच्छा से पकड़ के चलिए, पकड़ के चलिए, नहीं तो हम भी गिर जाएंगे, पकड़ के चलते हैं हम भी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज, ये आप मत सोचिएगा कि मैं डांस कर रहा हूँ। अच्छा 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 से, चलिए चलिए पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए इनको, पकड़ लीजिए, पकड़ ले जाओ तो। हाँ ले, धीरे धीरे चलिए ना, नहीं हिल रहा ना, धीरे धीरे चलिए। अच्छा चलिए मम्मी पकड़ कर, अच्छा चल, अच्छा चलना बाबू, अच्छा चल। ऐसा लग रहा है कि पी के हूँ मैं, पी के क्या होता है भाई, पी के मूवी तो है। तो बहुत ही अच्छा ब्रिज है यार, ये देखिएगा ना मज़ा आ रहा है, ये देखिए ना सस्पेंशन ब्रिज, हिल रहे हैं लोग, डीजे डांस कर रहे हैं सर। हाँ डांस नहीं कर रहा हूँ, पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, देखिए वापस चले जा रहे हैं चाचा जान जो आए थे, और उधर भी सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं लोग। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, एक बार ज़रूर आइए यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी भाई लोग उधर है, अभी वो आएंगे, अभी मैं बीचे बीच में हूँ। क्या हुआ, चाचा को भेजा दिए? अच्छा नहीं जा पाएंगे, हिल रहा ज़्यादा ना इसी वजह से। कैसा लग रहा चलने में? चलने में ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से हिल रहा है। हाँ वही है, आप उन्हीं की वजह से हिल रहा है। अच्छा चलिएगा, कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र से आए हैं, खास यही ग्लास ब्रिज देखने के लिए? देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जाइएगा पकड़ लिया, साइड साइड पकड़ लिया। ये चाचा जान महाराष्ट्र से आए हैं, अरे यार अभी तो गिर जाऊंगा मैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। अभी मैं यहीं पर फिलहाल हूँ, बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए आए हैं।
तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा आप लोग। तो सस्पेंशन ब्रिज बहुत ही अच्छा है, काफी अच्छा है। और ये आंटी को देख रहे हैं ना, ये हमको बोल रही है क्या कि आप हिला रहे हैं, हम हिला रहे हैं आंटी, आप तो बोलिए नहीं आ? हमको क्या है, हम तो जा रहे हैं जा रहे तो जाइए आप, हमारे पापा को आधे रास्ते से घूमना पड़ा। हाँ तो हम हिला नहीं रहे, हिल रहा है ये सस्पेंशन भी तो हिलता है ना। हाँ ये बात भी है, ज्यादा कुदकने से ही होता है। तो उनके लगते हैं हस्बैंड पीछे रह गए हैं और ये आगे गए हैं, तो हमको बोल रहे थे ये कि आप हिला क्यों रहे हो, हम बोले भाई मैं हिला नहीं रहा हूँ, मैं ये हिल रहा खुद रहा, ये देखिए खुद हिल ही रहा, ये देखिए कितना हिल रहा है, ये बहुत दूर दूर से लोग है काफ़ी। अरे मैं तो गिर जाऊँगा, ब्लॉगिंग के चक्कर में भी गिर जाऊँगा। बहुत ही काफ़ी मज़ा आ रहा है यार घूमने में, ये देखिए हिल रहा, बहुत ही काफ़ी मज़ा आ रहा है। हिला रहे हैं काफ लोग हैं, खुश से हिल रहा है, तो देखिए रहे हैं खुद से हिल रहा है। हम लोग सस्पेंशन ब्रिज घूम लिए हैं और हम लोग पार हो रहे हैं उस पार। उधर कुछ है मैडम? उधर कुछ नहीं है, जाने से फ़ायदा नहीं है, कुछ रहता तब ना घूम लेता मैं। तो उधर कुछ नहीं है, तब भी जाता हूँ मैं, देखता हूँ, मैडम तो बोली कुछ नहीं है। तो इधर तो फिलहाल कुछ है नहीं, इधर तो कुछ है नहीं यार, नीचे जा रहा हूँ मैं। इधर कुछ नहीं है चाचा? नहीं कुछ नहीं, बस उसी तरफ है बस। इधर कुछ नहीं है, ये फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं जो पेड़ वगैरह देखते हैं, है ना। तो चलिए हम फिर सस्पेंशन ब्रिज जा रहे हैं। अरे बहुत काफ़ी पुतला है, अच्छा अच्छा पुतला है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छा पुतला है, हाथ नहीं लगाऊंगा मैं इसको, तो हाथ लगा सकता हूँ। मुस्कुरा रहे हो यार, ओ छोटा बाबू, छोटा ठीक है, अच्छा है, प्लास्टिक का है। और इधर भी दिखाता हूँ मैं आपको, सांप को पकड़ने से क्यों घबराएंगे, ये रियल है, ये देखिए ओहो, और पुतला भी है इधर, हट गया भाई थोड़ा, ये देखिए और ये देखिए, काफ़ी अच्छा है। और ये है हमारा सस्पेंशन ब्रिज। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, आप दोस्तों लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो और कुछ भी है नेचुरल सफारी में, तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनली सस्पेंशन ब्रिज मैं घूम लिया हूँ और ये हिलता है, ये ज़्यादा वजन की वजह से। अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ जहाँ से टिकट कटाया था मैं, लोग ज़्यादा हिल रहे थे ना, मैडम वगैरह भी आ गई है, इस पर ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए। वो ब्रिज से अच्छा लगा, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, वहाँ है गिलास ब्रिज, आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख नहीं रहा यार, कहाँ है कहाँ है, गिलास ब्रिज दिख रहा होगा, बहुत दूर में है काफ़ी। वहाँ से अच्छा तो ये लगा यार, 125 रुपया वहाँ लगा, गिलास ब्रिज का है 125 रुपया दाम, और ये सस्पेंशन ब्रिज का दाम 10 रुपया है। काफ़ी मज़ा आया यार इस पर, सबसे अच्छा मज़ा इसी में आया। हाँ इसी में आया, सबसे अच्छा मज़ा तो इसी में आया है, वहाँ 125 पे बेकार दिया उन्हें। हाँ उससे मज़ा इसमें है, उससे मज़ा इसमें है, और क्या है जी, दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है जी, चक्कर वक्कर नहीं है। कहाँ से आए आप जी? हरियाणा से, खास यही देखने के लिए? अच्छा ये देखिए हरियाणा से आए हैं खास देखने के लिए नेचुरल सफारी। बहुत दूर दूर से आए हैं यार, महाराष्ट्र से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, लोगों से पूछेंगे तो बहुत दूर दूर से बताएंगे ही।
लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल सफारी से अच्छा है ये, नेचुरल सफारी से अच्छा ये ब्रिज अच्छा लगा। बताओ अच्छा लगा। 10 रुपया मजा दे दिया मगर 125 रुपये में मजा नहीं दिया है ना। चाहिए था एक ठोका। ये रास्ता काफ़ी अंदर है, सस्पेंशन ब्रिज से सीधे आया हूँ मैं। अगर उल्टा पुल्टा इधर चला गया ना तो हरा जाऊँगा मैं जी। हाँ ये ना, थक चुका हूँ बहुत यार। इधर मतलब रास्ता दिया हुआ है, ये देखिए रास्ता दिया हुआ है। अगर उल्टा पुल्टा अगर चल लिया तो मैं, बहुत जंगल इलाका है ना, पूरा जंगल है, पहाड़ी इलाका, पहाड़ों के बीचों बीच में है। दिख गया रास्ता, रास्ता दिख गया है, ये देखिए। तो फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं बाहर की ओर। ये देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं, बिगाड़ी आने वाला है, आ तो गया है एक। तो फाइनली उतर चुके हैं, बहुत दूर काफ़ी था यार, 7 किलोमीटर चलते चलते बहुत सारे लोग उतर रहे हैं अब। बहुत ही अच्छा है यार नेचर सफारी, वहाँ फोटो लेना था नहीं होगा ना। और बगल में ही स्वर्ण भंडार है, ये देखिए। अगर इसका जानकारी अगर आपको पाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा, क्योंकि मैं इसका वीडियो अलग से बना चुका था जब पिछले बार जब आया था। तो 800 का ही टिकट है यहाँ, उसके बाद 800 से ज़्यादा टिकट नहीं है। जब भी आप लोग आइए तो सवेरे आइएगा, सुबह 9 या 10 बजे आइए, बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, फिर उसके बाद टिकट नहीं मिलेगा आपको। और ये जो आपको दिख रहा है बगल में स्वर्ण भंडारा, अगर इसका जानकारी आपको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं अलग से वीडियो बना दिया था इसके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।